हेलो व्यूअर्स, मु परेश सर मु आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम क्लास टेन रो एट द हाई स्कूल विषयटी पढ़ा एवं कंप्लीट डिस्कशन करवा। विषयटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट, आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ एवं पाखर थे बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल आम समस्त वीडियो सर्वप्रथमे पाई। चलतु विषयटी को आरंभ करवा। आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फुल एट द हाई स्कूल। आई ऑलवेज एंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। आई नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट। इन फैक्ट आई इवन वन प्राइजेस आफ्टर आई पास आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड। इन द फिफ्थ एंड सिक्स आई ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप्स ऑफ रुपीज 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. I was not regarded as a fool at the high school. उच्च विद्यालय रे मते मूर्ख बोली विवेचना करा जाउ नथिला। I always enjoyed the affection of my teachers. मु सबु बेले मो शिक्षकर स्नेह को उपभोग करूथिली। Certificates of progress एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। प्रगति एवं चरित्रर प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष पितामाता को पठा जाउथिला। आई नेभर हैड ए बैड सर्टिफिकेट। मोर कदापि खराब सर्टिफिकेट नथिला। इनफैक्ट आई इवन वन प्राइजेस आफ्टर आई पास आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड। वास्तवरे मु सेकेंड स्टैंडर्ड पास करिया परे मु पुरस्कार पाइथिली। इन द फिफ्थ एंड सिक्स आई ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप्स ऑफ रुपीज 4 and 10 रेस्पेक्टिवली। पंचम एवं षष्ठ श्रेणी रे मु यथाक्रमे 4 टंका एवं 10 टंका छात्रवृत्ति पाइली। एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट। एक सफलता जहाँ पाई मते मोर योग्यता अपेक्षा शुभकामना जनवाक पड़ब। मीनिंग को पुणी थरे कहूँ, उच्च विद्यालय रे मते मूर्ख बोली विवेचना करा जाउ नथिला। मु सबु बेले मोर शिक्षकर स्नेह को उपभोग करूथिली। प्रगति एवं चरित्रर प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष पितामाता को पठा जाउथिला। मोर कदापि खराब सर्टिफिकेट नथिला। वास्तवरे मु सेकेंड स्टैंडर्ड पास करिया परे मते पुरस्कार मिलिथिला। पंचम एवं षष्ठ श्रेणी रे मु यथाक्रमे 4 and 10 टंका छात्रवृत्ति पाइली। एक सफलता जहाँ पाई मते मोर योग्यता अपेक्षा शुभकामना जनवाक पड़ब। माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। बट आई वेरी जेलसी गार्डेड माय टीचर। द लिस्ट लिटिल ब्लेमिस ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। व्हेन आई मेरिटेड और सीम्ड टू द टीचर टू मेरिट ए रीबुक, इट वाज अनब्रेकेबल फॉर मी। आई रिमेम्बर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट दैट इट वाज कंसिडर्ड माय डेजर्ट। आई वेप्ट पिटियसली, दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड। देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड। दोराबजी ईदुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर देन। ही वाज पॉपुलर एमंग द बॉयज एज ही वाज ए डिसिप्लिनारियन, ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर। He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this aloofness, which I now see wrong. I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today, I know that physical training should have
मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। माय ओन रिकॉलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। मोर निज स्मृति हेउची मोर दक्षता मो पाई कौनसी उच्च समान नथिला। आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। जेतेबेले मु पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति जिते मु आश्चर्य हो जाउथिली। बट आई वेरी जेलसी गार्डेड माय कैरेक्टर। किंतु मु बहुत ईर्ष्यापराण भावरे मोर चरित्र को जगिथिली। द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। छोटो छोटो दूसरे मोर आखिरु लुह झरी जाउथिला। व्हेन आई मेरिटेड और सीम्ड टू द टीचर टू मेरिट ए री बुक इट वाज अनब्रेकेबल फॉर मी। जेतेबेले मु शिक्षक को भर्सना करने को योग्य मन कली सेतेबेले एहा मो पाई असह्य थिला। आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। मोर मन अछि मु थरे शारीरिक दंड पाइथिली। आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट दैट इट वाज कंसीडर्ड माय डेजर्ट। मोर दंड को एते मना करि नथिली जे एहा मोर मरुभूमि भाबरे परिगणित होइगला। आई वेप्ट पिटियसली मु दुखरे कांदिली। दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। सेतेबेले जेतेबेले मु प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणी रे पढ़ुथिली। देयर वाज सच अनदर इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द सेवेन्थ स्टैंडर्ड। सही समय रे आउ एक घटना घटी थिला जेतेबेले मु सप्तम श्रेणी रे पढ़ुथिली। दुराब जी ईदुल जी जिमी वाज द हेडमास्टर देन। सेतेबेले दुराब जी ईदुल जी जिमी प्रधान शिक्षक थिले। ही वाज पॉपुलर एमंग द बॉयज एज ही वाज ए डिसिप्लिनारियन ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर। से जणे श्रृंखलित पद्धतिर व्यक्ति एवं जणे भल शिक्षक होइथिबारु से बालक मानक मध्यरे लोकप्रिय थिले। ही मेड जिमनास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड। से उच्चमानर बालक मानक पई जिमनास्टिक एवं क्रिकेट को बाध्यतामूलक करिथिले। आई डिसलाइक बोथ। मु एई दुई खेल को नापसंद कली। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी। बाध्यतामूलक हेबा पूर्वरु मु कौनसी व्यायाम क्रिकेट किंबा फुटबॉल रे भाग नै नथिली। माय साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अलोपनेस। मोर लज्जा एही अवहेलार अन्यतम कारण थिला। व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग। जहाँ मु वर्तमान देखुची एहा भूल थिला। आई हैड देन द फॉल्स नेशन दैट जिमनास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। मोर सेतेबेले मिथ्या धारणा थिला जे जिमनास्टिक शिक्षा सहित कौनसी संपर्क नहीं। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। आज मु जानिली जे शारीरिक तालीम पाठ्यक्रम रे मानसिक तालीम भाव रे अनेक स्थान रे रहिबा उचित। मीनिंग को मु पुणी थरे कहूँ मोर निजर स्मृति हेउची मोर दक्षता मोर कौनसी उच्च समान नथिला। जेतेबेले मु पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति जिते मु आश्चर्य हो जाउथिली। किंतु मु बहुत ईर्ष्यापरायण भावरे मोर चरित्र को जगिथिली। छोट छोट दूष मो आखिरु लुह झराइ देउथिला। जेतेबेले मु शिक्षक को भर्सना करिबा को सक्षम हेली योग्य मन कली सेतेबेले एहा मो पाई असह्य थिला। मोर मन अछि थरे शारीरिक दंड पाइथिली। मोर दंड को एते मना करि नथिली जे एहा मोर मरुभूमि भावरे परिगणित हेला। मु दुखरे कांदिली सेतेबेले जेतेबेले मु प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणी रे थिली। सही समय रे आउ एक घटना घटी थिला जेतेबेले मु सप्तम श्रेणी रे पढ़ुथिली। सेतेबेले दुराब जी ईदुल जी जिमी
प्रधान शिक्षक थिले से जणे श्रृंखलित पद्धतिर व्यक्ति एवं जणे शिक्षक होइथिबारु से बालक मानक मध्यरे लोकप्रिय थिले। से उच्च मानर बालक मानक पई जिमनास्टिक एवं क्रिकेट बाध्यतामूलक करथिले। मु एई दुई खेल को नापसंद कली। बाध्यतामूलक हेबा पूर्वरु मु कोनोसी व्यायाम क्रिकेट किंबा फुटबल रे भाग नै नथिली। मोर लज्जा एही अवहेलार अन्यतम कारण थिला जहाँ मु वर्तमान देखुची एहा भूल थिला। मोर सेतेबेले मिथ्या धारणा थिला जे जिमनास्टिक शिक्षा सहित कौनसी संपर्क नाही। आज मु जानिली जे शारीरिक तालीम पाठ्यक्रम रे मानसिक तालीम भावरे अनेक स्थान रे रहिबा उचित। पार्ट वन टी एटी सरला। आशा करुँ आपण मैंने बुझीपारे। जदि किसी भी डाउट अच्छी मतलब कमेंट रे लिखिपारे। थैंक यू फॉर वाचिंग।